हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे 5 डेज वर्किंग का और 6 डेज वर्किंग का। ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर, 5 डेज वर्किंग और 6 डेज वर्किंग में क्या डिफरेंस है और क्यों जो है कंपनियाँ कई बार 6 डेज वर्किंग रखती हैं और कई कंपनियां जो है 5 डेज वर्किंग रखती हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि ये मैं सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि हर एक के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आता ही होगा आपको, सीधी सी बात है। तो इसीलिए जो है मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सिनेरियो रहता है और किस कारण से जो है कुछ कंपनियों में 6 डेज वर्किंग होता है और कुछ कंपनियों में 5 डेज वर्किंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं क्योंकि ये सिनेरियो बेस्ड रहता है मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन, तो मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो लिया नॉर्मल सा, कि आप काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में और वहाँ 6 दिन का काम चलता है और 6 दिन आप आराम से काम करते हैं, लेकिन उसी समय आपका जो दोस्त है, ठीक है, जो वो दूसरी कंपनी में काम करता है और वहाँ पे आपके दोस्त को 5 डेज वर्किंग मिलती है, ठीक है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है बेसिकली। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये मन में ग्लानी रहती है कि यार उसको 5 डेज वर्किंग मिल रहा है, मेरे को 6 डेज वर्किंग है, उसको 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, आराम से वो आराम कर लेता है, मैं 6 दिन काम करता हूँ, 1 दिन का तो पता ही नहीं चलता और संडे कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता और वापस से मंडे आ जाता है। और वहीं आपके दोस्त जो हैं जो 5 डेज वर्किंग कर रहे हैं, उनको 2 दिन की छुट्टी मिलती है, तो 2 दिन में जो है पूरी तरह से आराम भी कर लेते हैं, घूम फिर भी लेते हैं और अपना घर का काम भी निपटा लेते हैं और फिर मंडे को ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी के हम जानेंगे दोस्तों। पहले हम रीज़न जान लेते हैं कि क्या होता है कारण 6 दिन काम करने का एम्प्लॉय का। ठीक है, क्या रीजंस हैं, क्या मेंटालिटी। तो सबसे पहले जो है मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, डिपेंड करता है कि कंपनी किस साइज की है, क्या साइज है कंपनी का, क्या SME है, क्या वो स्टार्टअप है। अगर SME और स्टार्टअप है, अगर स्टार्टअप है तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो मैनेजमेंट है ना, जो मैनेजमेंट चेयर पे बैठते हैं, जो चेयरमैन है, जो CEO है कंपनी का, जो डायरेक्टर हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत ही एक्स्ट्रा होती हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस के कारण जो है 6 डेज वर्किंग हो जाता है। कारण यह है कि स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी में जो है उनको कंपनी को ग्रोथ दिलाना रहता है। अब कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी, कंपनी ग्रोथ तभी करेगी जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में काम करेंगे। हालांकि ये माइंडसेट गलत है, लेकिन फिर भी ये मैनेजमेंट जो छोटी कंपनियां होती हैं या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की कंपनियां होती हैं, उनका ये माइंडसेट होता है। ये पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन जो है मैनेजमेंट का होता है, सेटअप होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी और इस कारण से जो है हमारी कंपनी जल्दी ही ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये सबसे पहला कारण होता है। ठीक है, मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन। दूसरा, माइंडसेट एंड सोशल सेटअप। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा बाहर की कंट्रीज का, फॉर एग्जांपल US। ठीक है, अब US में क्या होता है, 5 बजे के बाद जो है वो लोग काम करना बंद कर देते हैं, मतलब जितना भी उनका वर्किंग आवर्स है ना, उसके बाद वो लोग काम करना बंद कर देते हैं। चाहे आप कितना भी फोन करो, चाहे कितना भी मीटिंग के लिए आप फोर्स करो, वो नहीं करेंगे काम। उनका जो टाइमलाइन है 8 घंटा, मतलब 8 घंटा, 8 घंटे के बाद वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, उनका जो फिलोसफी है वो सिंपल सी है कि काम के समय काम और काम के बाद जो है वो अपना जो उनका पर्सनल लाइफ है वो देखते हैं। लेकिन हमारे देश में बिल्कुल उल्टा है, जो कि मैं एक और वीडियो बना रखा हूँ उसमें मैंने बात की है। जो माइंडसेट है हमारे देश का, जो सोशल सेटअप किया गया है, वो बहुत ही पुराने तरीके का है और जिसमें बताया गया है, जिसमें माना ये जाता है, अभी बहुत सारे लोग मानते हैं कि ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ पाएंगे, जोर से ज़्यादा काम करेंगे तो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, शरीर को रेस्ट की जरूरत होती है, आप जरूर से ज़्यादा काम करेंगे आप थक जाएंगे, फैटिक हो जाएगा, आप अच्छे से अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो क्या रहता है, माइंडसेट भी जो है लोगों का ऐसा बना हुआ है कि नहीं, हमें ज़्यादा काम करना चाहिए इसलिए हम 6 डेज वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो कई बार यही होता है, इसका फायदा जो है कंपनियां उठाती हैं क्योंकि माइंडसेट ऑलरेडी बना है, तो उस हिसाब से जो स्टार्टअप कंपनी क्रिएट करता है जो पर्सन, ठीक है, उसका भी यही माइंडसेट बना है, उसके बेसिस पे जो है 6 डेज वर्किंग रहती है और 5 डेज नहीं हो पाती। फिर अगला आता है इंडस्ट्री या नेचर ऑफ वर्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले दोनों जो फैक्टर्स हैं उनसे बिल्कुल रिलेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री और नेचर ऑफ वर्क आता है।
क्योंकि देखिए, अगर आप 5 डेज वर्किंग देखेंगे ना, तो 5 डेज वर्किंग अधिकतर जो है वो या तो बीपीओज में है या तो आईटी सेक्टर्स में है, ठीक है, इनमें ही अधिकतर 5 डेज वर्किंग रहता है। वेर एज अगर आप रिटेल इंडस्ट्री देखें, तो रिटेल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इस कारण से भी क्या होता है कि रिटेल और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ये 6 डेज रहता है काम का, जो दिन है वो 6 दिन होता है। उसमें भी जो आपको ऑफ मिलता है वो ऑफ हर संडे नहीं मिलता, कई बार हर एक का टाइम फिक्स होता है कि भाई आपको मंडे ही वीक ऑफ मिलेगा, आपको ट्यूसडे ही मिलेगा, आपको थर्सडे ही मिलेगा, तो एक पर्टिकुलर डे नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग में तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कौन से आप इंडस्ट्री में हैं, क्या नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। फिर उसके बाद अगर आप रियल स्टेट में हैं, तो रियल स्टेट में तो ऐसा होता है कि आप लोगों को संडे ही सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है, तो रियल स्टेट है, फिर ट्रैवल एजेंसी, तो इस कारण से जो है नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है, और उस कारण से भी ये जो है 6 डेज वर्किंग हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलता कि 5 दिन नहीं हो सकता, 5 दिन हो सकता है। अगर जो एक कंपनीज हैं, कंपनी के जो ऑनर्स हैं, अगर वो चाहें तो हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंडस्ट्री और नेचर ऑफ वर्क को अगर मद्देनजर रखें तो। फिर अगला आता है वर्ल्ड वाइड ट्रेंड। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड क्या चल रहा है? अब बहुत सारे लोग जो है इस पे ज़्यादा जोर देते हैं कि देखो जापानीज लोग को देखो, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उस कारण से जो है हम लोग को उन्हीं की तरह काम करना चाहिए और अच्छे से मन लगा के जो है 6 दिन काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो अगर वो मेहनत करते भी हैं तो उनका जो वहाँ की सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। और अगर आप दूसरे साइड पे ये देखें, जर्मनी, जर्मनी में सबसे ज़्यादा वर्किंग आवर्स कम है, लेकिन वो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, क्या आप क्वांटिटी पे फोकस करेंगे, क्या आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे। लेकिन हमारे देश में जो है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा जो है हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो बिन पैंदी के लोटे वाला हिसाब किताब होता है हमारे देश में, तो उसके कारण से क्या होता है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और 6 डेज वर्किंग होता है जिसके कारण जो है मेंटल फटीग होता है एम्प्लॉयज़ को, और वो कर नहीं पाते हैं, और एम्प्लॉय से एक्चुअली पूछा नहीं जाता। कुल मिला के मैं ये बोलूँ, हमारे देश में जो है एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनीज नहीं है। एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनीज अगर हों तो 5 डेज वर्किंग हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड को भी लेके किया जाता है। फिर अगला है स्टेट ऑफ इकोनॉमी। ये इकोनॉमी को मद्देनजर रख के किया जाता है, क्योंकि अगर कोई कंट्री ग्रो कर रहा है, या डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो उसको ग्रो करना है, उसको ग्रो करने के लिए जो है वो अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा जो है काम करवाते हैं, ठीक है। ये एक और कारण होता है। ये कुछ मेजर कारण होते हैं जिनके कारण जो है दोस्तों 6 डेज वर्किंग होता है कई कई कंपनियों में। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा कि जो 5 डेज वर्किंग है ना दोस्तों, वो मिस्टर हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था अमेरिका में, और जिसमें 8 आवर्स वर्क डे दिया गया था हर एक स्टाफ को। उससे पहले क्या होता था कि कंटिन्यू लोग काम किए जा रहे हैं, थके जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कंपनियों को फर्क नहीं पड़ता था। तो लेकिन जो हेनरी फोर्ड थे, उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की और बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम किया उन्होंने। इसके कारण जो है आज आप देखेंगे कि अमेरिका में अधिकतर कंपनियां, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां जो है 5 डेज वर्किंग ही करती हैं, ठीक है। फिर अगला जो है, जो सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में, वो है इंडियन लेबर लॉ। अब इंडियन लेबर लॉ ही जो है अलाउ करता है 48 आवर्स ऑफ वर्क, जिसमें 8 घंटे हर दिन काम होना चाहिए, ठीक है। अब 8 घंटे हर दिन काम होगा, 1 घंटे के ब्रेक के साथ, तो अगर आप 9 घंटे काम कर रहे हैं, इंटू आप 6 कर लीजिए, तो आप 54 आवर जो है हर वीक में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन लेबर लॉ के हिसाब से 48 आवर्स आपको काम करना रहता है, तो उसके बेसिस पे अगर आप 5 डेज भी करके उस 1 घंटे को आप एकोमुलेट कर देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन 48 आवर्स आपको काम करना है, ये इंडियन लेबर लॉ में दिया गया है एज पर रूल्स, ठीक है। फिर अब अगला जो आप लोगों को मैं अपडेट ये देना चाहता हूँ कि हमारे देश में नई रूल आई है गवर्नमेंट की,
और गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल है कि 4 डेज वर्किंग भी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑप्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो है 48 आवर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, 48 आवर्स वर्क रहेगा ही रहेगा, जिसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, अगर बट इफ समवन वर्क्स फॉर 8 आवर्स डे, अगर कोई 8 घंटा काम करता है, ठीक है, देन उसके लिए 6 वर्किंग डेज हो सकते हैं। ठीक है, अगर 8 घंटे अगर आप काम करते हैं दिन में, तो उसके लिए 6 वर्किंग डे हो सकते हैं, इंक्लूडिंग 1 आवर ब्रेक, तो ये 9 घंटा हो गया। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि हर दिन 12 घंटे लोग काम करें, अगर 12 घंटे वो काम करते हैं, तब जो है 4 डेज वर्किंग आपको दी जा सकती है 3 दिन छुट्टियां देके। तो अभी भी ये इनिशियल फेज में है, अभी भी बहुत सारी कंपनियों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये अभी रूल आउट ही हुआ है। आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं, हो सकता है बहुत सारी कंपनियां जो हैं ये ऑप्ट करें, बहुत सारी कंपनियां ये ऑप्ट ना करें। वैसे जहां तक देखा जाए तो 5 डेज वर्किंग जो है कंपनियां अधिकतर ऑप्ट कर रही हैं, 4 डेज जहां तक कम ही ऑप्ट करेंगी। कारण ये है क्योंकि वर्क आवर्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और ज़्यादा वर्क आवर्स जो है अगर एक दिन में इंक्रीज होता है, तो वो वर्क फिटीक आप लोगों को देता है, जिसके कारण आप लोगों को बड़ी परेशानी हो सकती है, एम्प्लॉयज़ को बड़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो यही था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को कारण समझ में आया होगा, किस कारण से जो है कई कंपनी में 5 डेज वर्किंग होता है, किस कई कई कंपनी में 6 दिन होता है। और मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि जो 6 दिन का काम कार्यकाल होता है, वो अधिकतर जो है आईटी कंपनीज और बीपीओ में देखा जाता है, वेरिन जो 6 डेज का होता है वो एसएमईज कंपनियों में या स्टार्टअप्स में जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे मैंने कारण बताए, उन कारण से जो है अलग अलग कंपनियों में ये देखा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।